Hey there. कतिया से निकल जाओ ना काटे पर फंसा ना का अच्छा काटे पर कब निकल हां। फ्रेंड्स देख पा रहे हैं स्नेक यहाँ पर फंसा हुआ है, तो मुझे रेस्क्यू के लिए बुलाया गया था, मैं आया हूँ। ये जगह जो है ओमृति का जगह का नाम लगी ये भीनपाड़ा कटहल है जो मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है, वेस्ट बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में भीनपाड़ा कटहल में यहाँ पर एक स्नेक यहाँ पर फंसा हुआ है। ये काफी टाइम से यहाँ पर फंसा हुआ है। बिग साइज का स्पेक्टिकल कोबरा जिसको बंगाली में कहा जाता है गोकड़ो खोड़ी गोमा, हिंदी में इसको नाक सांप कहा जाता है। ये फेनामस है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन में इसको रेस्क्यू नहीं किया जाता है तो ये मर जाएगा, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक इसको रेस्क्यू नहीं कर सकता है। तो मैं इसको सेफली रेस्क्यू करूंगा, आप वीडियो का एंड तक बने रहें। और कैसे मैं इसको रेस्क्यू करता हूँ, सही जो टेक्निक होता है प्रोटोकॉल का नियम हिसाब से इसको रेस्क्यू किया जाएगा। आप देखिए इसको ऐसा सिचुएशन में ट्रांसपेरेंट ट्यूब का यूज करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ऐसा हेड कैच करने से बाइट होने का चांस रहेगा। तो जिस साइज में आएगा उसमें इसको रेस्क्यू किया जाएगा। बोतल का जोर नहीं आता ट्रांसपेरेंट जो ट्यूब होता है उसका यूज देख लीजिए। यहाँ पर इसका हेड देखा जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ले सकता है, यहाँ पर ये मुझे बाइट भी नहीं कर सकेगा, इसको सेफली रेस्क्यू हो जाएगा। इसीलिए ट्रांसपेरेंट का यूज करना चाहिए इस सिचुएशन में, या कोई लोहा का मेटल होता है ऐसा सिचुएशन में। मैं आराम से इसको अब रेस्क्यू कर सकता हूँ। আমার ওটা বেগের চেনটা খুলে দেওয়া কেউ হচ্ছে খুলে আছে ওটা। फ्रेंड्स इसको सेफली रेस्क्यू किया गया है, मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। और इसको ना लो दौड़ी दिए ना दौड़ी दिए है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पेक्टिकल कोबरा, इसका साइंटिफिक जो नाम है नेजा नेजा है, और हिंदी में इसको नाक सांप कहा जाता है, बंगाली में गोकड़ो खोड़ी गोमा बोलते हैं।
ये हाईली वेनमस स्नेक है, लेकिन स्नेक जितना भी होता है फ्रेंड्स, ये नेचर का हिस्सा है। हम सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है नेचर में स्नेक को बचा के रखना। देख पा रहे हैं इसका मार्क, देखिए पीछे का। नेचर से स्नेक रेस्क्यू नहीं किया जाता, लेकिन ये तो डेंजर जोन में था, ये अगर सेफली रेस्क्यू नहीं किया जाता तो इसको बच नहीं पाता। तो फ्रेंड्स इसको अब मैं सेफली रेस्क्यू कर रहा हूँ, आप देखिए। फ्रेंड्स जैसे थैला में रेस्क्यू किया जाता है स्नेक को, रेस्क्यू के बाद जो थैला होता है स्नेक बैग, उसको डायरेक्टली अगर जो पीठ का बैग है उसमें रखा जाता है तो बाइट का एक खतरा रहता है रेस्क्यूअर को, तो इसीलिए एक बिग साइज का कंटेनर को, कंटेनर में एक थैला को रखना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए काफ़ी सारा छेद किया हुआ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आसानी से ऑक्सीजन ले सकता है। मेरा भी, मैं भी सेफ रहूँगा एंड स्नेक भी सेफ रहेगा।